देखिए दुनिया में ना 100 गम होते हैं और उनमें से 15 चोंच ले तो हमारे बैटरी और फोन के चार्जिंग के होते हैं। सुबह उठ जाओ आपका फोन ही चार्ज नहीं है, उसके अंदर लग रहे हैं आपके 2 घंटे। कॉलेज ना जा पाओ, स्कूल ना जा पाओ, ऑफिस ना जा पाओ, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके पास सही चार्जर है या नहीं, आपका फोन चार्ज होगा या नहीं होगा सही टाइम पे। तीसरा है कि बैटरी काम कैसे करती है भैया, ये तो बता दो। और चौथा होता है आपके दोस्त जो आपको और घरेलू नुस्खे बताते हैं कि यार ये कर ले, इससे आपकी बैटरी लाइफ और बढ़ जाएगी। आपके पास कोई पुराना फ़ोन है, हर किसी को नहीं खरीदना होता फ़ोन, उसकी बैटरी लाइफ कैसे बढ़ानी है, ये सब चीज़ों के पीछे ना एक साइंस होती है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा एक एक चीज़ के बारे में, क्योंकि आज हम एकदम जड़ से समझ लेंगे कि ये बैटरी टेक क्या है, चार्जिंग टेक क्या है, वायरलेस चार्जिंग क्या है, और बैटरी की चार्जिंग को फास्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। और उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, प्रणय जी कहते हैं बिल्कुल मिलता है, और उसे शेयर भी कीजिए अगर आपने कुछ नया चीज़ समझा हो बिल्कुल, और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमेशा हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इन सब कुछ सारी चीज़ों को समझना। तो देखो बैटरी के बारे में ना हमें 6ठी कक्षा से बताते आए हैं लोग। तो देखो बेसिक फंक्शनिंग हमें क्या बताई जाती है कि बैटरी के अंदर होते हैं 2 टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे निकलते हैं और ये ऐसे घूम के आते हैं, यहाँ पर ऐसे वायर होती है और यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं और फिर वापस आ जाती है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। बार बार से काम करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो हमारी बैटरी है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो हमारी बन जाती है खिचड़ी। और सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये खिचड़ी क्यों बनती है और बैटरी के अंदर क्या चलता है। इससे पहले हम ये समझे कि ये चार्जिंग क्या होती है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं खिचड़ी के बारे में। अब बैटरी के अंदर ना अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अब आपको ये पता होगा कि हमारे पास बैटरी के अंदर ऐसे एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है। तो आपके पास हमेशा एक पुश और एक पुल का एक इक्वेशन, एक बैलेंस चल रहा होता है। पुश क्या होता है कि आपको एक चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को फेंक रही है, और एक पुल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रही है, ठीक है। अगर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन चल गए तो खिचड़ी बन जाती है, इसके ऊपर हम आ रहे हैं। देखो अगर आप लिथियम आयन बैटरी का एग्जांपल लोगे, आज हम लोग हाईफाई चीज़ों के बारे में बात करें कि हम लोग स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है, जो एनोड है उसके ऊपर बैठा होता है हमारे लिथियम भैया। लिथियम भैया ना बहुत ही रंगीन किस्म के इंसान होते हैं, पूछो क्यों, क्योंकि वो हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि उनके पास में आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा होता है। तो इस इंसान ने, लिथियम भैया ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन भैया है ना, ये घर के अंदर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इनका जो घर है ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट की एक लेयर का, ठीक है। अगर आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा, ग्रेफाइट बनता है कार्बन से, और जो ग्रेफाइट है ये होता है एक हेक्सागोनल, एक षटकोण के शेप के अंदर, और हर कॉर्नर के अंदर ना एक एक कार्बन बैठा होता है, और ऐसे एक ग्रिड बना के एक छन्नी बन जाती है इसकी, ठीक है। तो ये जो घर है, ये जो छेद है, ये हमारे लिथियम का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिथियम बैठा है मस्त घर के अंदर, ठीक। अगर हमारे पास में बीच में कुछ नहीं है, दूसरे साइड में हमारा बैठा है कैथोड, कैथोड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कैच करने की कोशिश करेगा। बीच में कुछ नहीं है अभी, ठीक है, याद रखो। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैच करने की कोशिश करेगा, ठीक। और कैथोड पे कौन बैठे, कोबाल्ट भैया। कोबाल्ट भैया क्या है, देवदास। देवदास इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बैठे हुए, और इतने डिप्रेस्ड, इतने नेगेटिव है वो, क्योंकि ऑक्सीजन ने उनके 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उनको देने थे 3। तो ये भी बैठा हुआ भूख के अंदर कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज, हमारा प्लीज चार्ज जो है प्लीज न्यूट्रलाइज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर आके बैठ गया। अब देखो यहाँ पर ना एक संतुलन है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर ना नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल नहीं पसंद है इलेक्ट्रॉन को, दो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करने के लिए हम लोग बीच में एक लेके आ जाते हैं खिचड़ी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे बैटरी के अंदर ना फ्लो नहीं करने चाहिए, यहाँ पर आप बने रहो, इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रहो और तुम बाहर से बाहर घूमो,
ठीक है, अंदर से घूमने की जरूरत नहीं है। अंदर क्या घूमेंगे? आयॉन्स घूमेंगे। आयॉन क्या होते हैं? एक फैंसी सा शब्द है एटम के लिए जिसने एक इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ा हुआ है या तो लिया हुआ है। लिथियम के केस के अंदर लिथियम आयॉन क्या होता है? उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Li प्लस बन गया, और अगर Li प्लस बना तो लिथियम आयॉन कहलाता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम, एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास बैठे ऑक्सीजन देवता, ठीक है, उन्होंने ले रखे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्वियसली दो ले सकते हैं, और वो दो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए और चिपके हुए हमारे कोबाल्ट के ऊपर, ठीक। तो ये क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारे ऑक्सीजन के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। अब आयन डजंट नेसेसरली, उसको सिर्फ एटम का बना नहीं होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल के भी बने हो सकते। तो अगर आप देखोगे H2SO4, ठीक है, रंग दे बसंती का गाना है, उसके अंदर H2SO4 आता है। H2SO4 को अगर आप काटोगे तो दो आपको हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन मिलेंगे और SO42- मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कथा क्यों समझाई है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये आयन का फ्लो होता है बैटरी के अंदर, ना कि इलेक्ट्रॉन का, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? मैंने पहले बताया, एक बैरियर बना देता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर बाहर से फ्लो करे, ना कि अंदर का। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है लिथियम आयन बैटरी के अंदर एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड की वजह से ना बड़ी दिक्कतें होती है। क्या होता है कि अभी तक हम लोगों के जो लिथियम आयन बैटरीज है इनको केसिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है तो वो फ्लो करने की कोशिश करेगा, वो बहने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो लिक्विड फैलेगा, और अगर वो फैल गया ना तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जो हमारा लिथियम है ना, ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया, रंगीन इंसान है। ये क्या करता है? बहुत रिएक्टिव होता है। ये क्या कोशिश करेगा? अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की, ऑक्सीजन का एटम पकड़ने की कोशिश करेगा एटमॉस्फियर से, और उससे क्या होता है? आग लग जाती है, ठीक। आग लगी तो आपको क्या मिलेगा? सफ़ेद सा धुआं, और आपके नाक में जाएगी उसकी फ्यूम, और आप हो जाओगे स्वर्गवासी। ये नहीं करना है हमें। तो इसकी वजह से हम लोग एक केसिंग लगा देते हैं, और वो केसिंग क्या करती है? इसको हैवी बना देती है। तो लिथियम आयन जो बैटरीज होती है बहुत हैवी होती है, एक्चुअली बहुत तो नहीं पर कंपैरेटिवली हैवी होती है, ठीक है। स्मार्टफोन के केस के अंदर देखोगे तो लिथियम की आयन बैटरी लगाओगे तो वो आधा तो उसी का वेट होता है, तो मोटा हो जाता है फ़ोन। अब इसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं? जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत मोटा कर रहा है फ़ोन को, इसको पतला करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? पॉलीमर लगाया। पॉलीमर क्या होता है कि आपने एक मॉलिक्यूल को ले लिया और उसको बार बार रिपीट कर दिया, ठीक है। आपकी जो पन्नी होती है ये भी एक पॉलीमर होती है, ठीक है। और हमारे केस के अंदर पॉलीमर क्या है? जेल, ठीक है। जेल क्या होता है? लचकीला होता है, और लचकीला होता है तो उसकी बहने की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो बैठा रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो? उसको फ्लेक्सिबल एक कंटेनर के अंदर रख सकते हो, उसको ऐसे पिचका सकते हो, घुमा सकते हो, उसको डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स के अंदर रख सकते हो। तो ये बड़ा काम आता है जब आपको एक तो पतला फ़ोन बनाना होता है, या फिर आपको इसको वेरेबल्स में डालना होता है। वेरेबल्स मतलब स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है लिथियम पॉलीमर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये महंगा है, क्योंकि ये अभी रिसेंट की टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी लिथियम आयन। और लिथियम आयन सिंस सस्ता है, इसलिए आपको सस्ते फोन्स के अंदर मिल जाता है पैसे बचाने के लिए। लेकिन आपको पता चल गया अब ड्रॉबैक। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लिथियम पॉलीमर है ये सिंस हमारा कम स्पेस ले रहा है और उतनी ही एनर्जी दे रहा है, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? देखो, डेंसिटी क्या होता है कि आपके पास में एक एरिया या वॉल्यूम है, ठीक है। सपोज आपके पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर लोग रह रहे हैं 100, तो इस स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे, सपोज लेट्स से ये जो स्क्वायर है ये 1 मीटर क्यूब का है, इसके अंदर रह रहे 100 लोग, तो उतनी उसकी बन जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। अगर आपको एक जगह पे देखना है कि कितना मास है, मतलब मास मतलब वेट कितना है किसी चीज़ का, वेट और मास अलग होते हैं पर ठीक है, अगर देखना है कि किसी एलिमेंट का मास कितना है 1 लीटर के अंदर, तो वो आपको बता देगा उसकी डेंसिटी। और अगर एनर्जी डेंसिटी देखनी है तो आपको ये पता करना है कि इतने से जगह के अंदर वो कितनी एनर्जी रख सकता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो आप छोटी चीज़ के अंदर ज़्यादा एनर्जी रख सकते हो, ठीक है। आपका लिथियम आयन जो बैटरी, उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है क्योंकि वो ज़्यादा जगह के अंदर कम एनर्जी रख रहा है, इसलिए तो उसको छोटा नहीं कर सकते। लिथियम पॉलीमर को हम लोग छोटा कर सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारा लिथियम पॉलीमर बैटरीज का, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है फ्लेक्सिबल। तीसरा एडवांटेज है कि फटती नहीं है इतने ईजिली, ठीक है। वो वाली आग लग जाएगी, इसके अंदर आग लगने में टाइम लगता है,
ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि ये एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये तो हो गया डिस्चार्जिंग। अब अगर आप इसको उल्टा करना चाहोगे तो आपको एक चार्जर लगाना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चार्जर लगाते हो तो यहाँ पर हमारा जो मैंने आपको बोला था आयन्स जो फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते तो हैं एक एंड से दूसरे एंड पे जाके, और यहाँ पर आके ये कंपाउंड बना देते हैं, मतलब वो कोबाल्ट ऑक्सीजन से मिल के ना लिथियम एक कंपाउंड बना देता है। अगर आप इस साइड पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये जो है कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा और जो लिथियम है वो वापस चले जाएगा अपने घर पे और वहीं पर ही बैठ के वापस बोलेगा कि मुझे छोड़ना है इलेक्ट्रॉन, जब आप चार्जिंग हटा दोगे। तो ये आपका हो जाता है चार्जिंग। दोनों उल्टे चल सकते हैं, सीधे चल सकते हैं, जैसे आपको देखना है वैसे। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह वगैरह आपको समझ में आ गया, दिमाग में बैठा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं कि ये आपने अच्छे ढंग से बताया है। अगर नहीं समझाया हो तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ना बहुत सारे लिंक्स दे दिए जिससे कि आप इसके बारे में और इन डेप्थ समझ सको। अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक वोल्टेज नाम की चीज़ होती है, जो मैंने आपको बोला था हर बैटरी का एक पुश और पुल होता है, वोल्टेज बेसिकली पुश और पुल ही होता है, और हम लोग इसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। चलिए अब हम बैटरी से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने आपको चार्जिंग के बारे में बताया, थोड़ा चार्जिंग के अंदर और डीप घुसते हैं। तो देखो, हमारे पास मेरे ख्याल से तो 4 साल तक हम लोगों को ये पता होता था कि अगर हमें फ़ोन चार्ज करना है तो रात के टाइम पर करना है, ठीक है। और लोगों के दिमाग में उस टाइम पर डर भी होता था कि अगर रात के टाइम पे पूरी रात को आपने अगर फ़ोन को चार्ज किया, सबसे पहली बात तो उसकी बैटरी लाइफ ख़राब हो जाती है। हमने कई सारे एग्जांपल देखे कि बैटरी फट रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो अब हम बेसिक चीज़ समझते हैं चार्जिंग के बारे में, ठीक है, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी जो हमारे दिमाग में भ्रम होते थे उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी भी फ़ोन की चार्जिंग, अगर जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ करना है, तो आपको एक इक्वेशन देखनी होगी, V इक्वल्स आई आर, ठीक है। ये क्या है, वोल्टेज इक्वल्स आई मतलब करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको किसी बैटरी को चार्ज करना है सबसे तेज से तेज, तो आपको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कम करना होगा, ठीक। अगर आप उस जो आपका प्रोसेस है, बेसिकली जो आपकी कॉर्ड है उसका रेजिस्टेंस कम करोगे तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स उस बैटरी के अंदर पहुंचा पाओगे, ठीक है, जिससे कि जो चार्जिंग की जो साइकिल है वो शुरू हो पाए और जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो वहाँ तक पहुँच जाए और आपकी बैटरी चार्ज हो जाए, ठीक है। तो इसको जो रेजिस्टेंस है ये कम करने के लिए हम मटेरियल्स थोड़े डिफरेंट यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी चार्जर्स के अंदर, जो कॉर्ड है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा है कि आप जो पुश एंड पुल जो मैंने आपको बताया वोल्टेज के बारे में, उसको इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा है कि आप करंट इंक्रीज कर दो। करंट कैसे इंक्रीज करते हैं, जो आपकी जो कॉर्ड है ना उसकी अगर आप क्रॉस सेक्शन को मोटा कर दोगे, थोड़ा कॉर्ड को मोटा करोगे, तब आपका जो करंट है वो और जल्दी और ज़्यादा बहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो, मेरे पास है 2 कॉर्ड, ठीक है। एक तो है ये पतली सी आईफोन की केबल, देख रहे हो, ठीक, और एक है हमारी थोड़ी सी काफ़ी हद तक मोटी, एक ये 30 वाट का चार्जर है रियलमी का, ठीक है। तो ये काफ़ी मोटी केबल है कंपैरिजन में, देखो, है ना। तो ये बेसिकली प्रूव करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चार्जर को देख लोगे, चार्जर के पीछे लिखा होता है कि उसका वोल्टेज कितना है, तो अगर आप आईफोन का चार्जर देखोगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, आउटपुट इक्वल्स 5 वोल्ट्स एंड 1 एम्पेयर, तो 5 और 1, इसका अगर पावर निकालना चाहोगे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका पावर मिल जाएगा। तो 5 वाट का चार्जर है ये जो है, एक सेकेंड, ये हमारा थोड़ा सा पुराना सा है, 5 वोल्ट और 4 एम्प का, तो आपको ये 20 वाट का चार्जर मिल रहा है। तो देखो, अगर आपको ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा पावर अगर आपको डिलीवर करनी है तो आपकी जो कॉर्ड होगी वो मोटी होगी, क्योंकि आपको अपना करंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये 4 एम्पेयर का करंट दे रहा है, ये 1 एम्पेयर का करंट दे रहा है, वोल्टेज भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये फास्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ आपने समझ ली कि चार्जिंग कैसे होती है, और इसी के ऊपर हमारी सारी चार्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वॉर्प चार्ज हो गया आपका, 100 वॉट का चार्ज हो गया हमारा,
सुपर वूक हो गया जो रियलमी का है। हमारा शाओमी ने भी अपनी निकाली हुई खूब सारी 60-65 वॉट तक पहुँचा देने वाली। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली इन्हीं चीज़ों के साथ में खेलती है, या तो कोई वोल्टेज बढ़ा रहा है, या तो फिर कोई एम्पेरेज या फिर आपका करंट बढ़ा रहा है, या फिर कोई अपनी रेजिस्टेंस कम कर रहा है। समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले चीज़ के ऊपर कि यार हमने अगर एक फास्ट चार्जिंग का एडाप्टर लगा दिया एक आईफोन के ऊपर जो सिर्फ कितने 5 वॉट का चार्जर ही आता है उसके साथ, पुराने फ़ोन अब तो चार्जर भी नहीं आता। तो देखो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है उसके अंदर एक कंट्रोलर है, आपका जो चार्जर है उसके अंदर भी एक कंट्रोलर है, दोनों के अंदर कंट्रोलर है और दोनों वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ में कि यार मुझे ना तू 5 वॉट का दे दे पावर, और वो बोलेगा तेरे को 5 वॉट चाहिए ले 5 वॉट ले, डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ऑब्वियसली वो दोनों ऐसे तो बात नहीं करते हिंदी के अंदर, पर लगभग यही वार्तालाप होता है दोनों के अंदर कि तेरे को 5 वॉट चाहिए तो 5 वॉट ले, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो कंट्रोलर होता है ये थोड़ा पिकी होता है, तो कुछ एक जो वॉचेस होते हैं, अगर आप स्मार्ट वॉचेस को एक बहुत ही हाई वॉट वाले चार्जर के साथ में लगा दोगे तो उस वॉच के अंदर भी ना जो कंट्रोलर है वो एक्सेप्ट नहीं करता उस करंट को, क्योंकि उसके अंदर एक कट ऑफ होता है, उसे पता ही अगर उसने उतना वोल्टेज ले लिया तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ना कुछ एक चीज़ें काम करती है, कुछ एक चीज़ें काम नहीं करती है। लेकिन आपकी बैटरी के अंदर दिक्कत आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है अगर आपने किसी और कंपनी का चार्जर लगा दिया तो, ठीक है। लेकिन वो बढ़ सकती है अगर आप ऐसे एकदम बेगैरत इंसान हो, एकदम केयरलेस इंसान हो जो अपना फ़ोन फेंक के आता है कहीं पर, तो उससे क्या होता है बैटरी के अंदर जो डैमेज है ना उसकी वजह से आपका कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, और उसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक, परफेक्ट, समझ में आ गया, वेरी नाइस। चलिए अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, मैंने एनर्जी डेंसिटी बता दी, ये बता दिया कि जो बैटरीज है वो काम कैसे करती है, ये बता दिया चार्जिंग कैसे होती है, ये बता दिया कि आप चार्जिंग फास्ट कैसे कर सकते हो, ये बता दिया कि कुछ एक चीज़ों के इतने चार्जर मोटे क्यों होते हैं, जो कॉर्ड होती है वो मोटी क्यों होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर, अब आते हैं हम लोग वायरलेस चार्जिंग के ऊपर, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग के लिए मैं आपके लिए एक वायरलेस चार्जर लाया हूँ, ठीक, इसको समझाने के लिए भी मेरे पास एक मस्त फंडा है। देखो वायरलेस चार्जिंग जो होती है ये चलती है एक सिंपल से फंडे के ऊपर जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलने में तो लंबा नाम है लेकिन समझने में बहुत ही ईजी है, इसको तोड़ते हैं थोड़ा, संधि विच्छेद करते हैं। इंडक्शन होता है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ इंड्यूस करना या फिर शुरू करना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया मतलब चुंबक, ठीक है। तो इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका है, आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट के ऊपर ना आप ले जा रहे हो एक मैग्नेट और उसे घुमा रहे हो, तो उससे क्या होता है जो सर्किट है वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है लेकिन मैग्नेट जब घुमाते हैं तो उसके अंदर ना एक करंट पैदा हो जाता है, ठीक है। ये बहुत पहले हमारा डिस्कवर हो गया था, टाइम हो गया इसको डिस्कवर हुए हुए, लेकिन इसको फोन के अंदर लाने में इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि इसके अंदर लगता है दिमाग और इसके अंदर लगती है साइंस और इसके अंदर लगता है मिनिचराइजेशन मतलब चीज़ों को छोटा करना, इसलिए अभी तक हमें सारे फोन्स के अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, ठीक है। अब जो फ़ोन की वायरलेस चार्जिंग होती है उसके अंदर ऑब्वियसली आप ऐसे मैग्नेट तो नहीं लाओगे, तो उसके अंदर पता है क्या यूज़ करते हैं, कॉइल। तो कॉइल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आप अगर एक कॉइल बना लो वायर की, उसे कनेक्ट कर दो एसी पावर के साथ, ठीक है, और उसको लगा दो किसी मैग्नेट वाले चीज़ के साथ, जैसे आप अगर आयरन के साथ में खेलोगे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके सामने लगे वो चिपक जाएगा, आपके जो कॉइन्स होते हैं सिक्के वो भी चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट है और इसके अंदर जा रहा है एसी करंट, ठीक। तो आप क्या करोगे, कॉइल बनाएं, उसके आगे एक और कॉइल लगा दी, दो कॉइल्स एक दूसरे, अब एक कॉइल तो आपकी एसी पावर से कनेक्टेड है, दूसरी जो कॉइल है उसके अंदर आपको पावर जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो ये जो 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 कॉइल जो है ये पावर दे रही है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमीटर, और जो दूसरी कॉइल है जो पावर ले रही है उसे बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। इतना सिंपल फंडा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। दो कॉइलें हैं और एक है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर, एक भेज रही करंट, दूसरी ले रही करंट, और इसके अंदर दिक्कत आती है, समझते दिक्कत। दिक्कत यह है कि आप अगर वायरलेसली चार्ज कर रहे हो दो चीज़ों को तो वो बहुत हीट जनरेट करती है क्योंकि उसकी वजह से बहुत फ्रिक्शन होता है,
इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी फ्रिक्शन होता है भैया, ऐसा नहीं है कि हम लोग हम चीज़ें रगड़ रहे तभी फ्रिक्शन होता है, उनके अंदर भी होता है, तो वो हो जाती गर्म। और गर्म होने से क्या होता है कि वो तो जो हमारी कॉइल है वो तो गर्म हो ही रही है, लेकिन वो बैठी हुई हमारी किसके ऊपर, बैटरी के ऊपर। और बैटरी खराब होने का नंबर वन प्रॉब्लम यही होता है कि वो हो जाती गर्म, ठीक है। तो गर्म होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि यार जो चौसले नहीं होते हैं कि आपको उसको ढंग से लगाना है ना, थोड़ा सा भी हिला दिया तो आपको कनेक्शन ख़राब हो जाता है। लो वोल्टेज एक और चीज़ होती है कि ये जो हमारे वायरलेस चार्जर्स है ये कम वोल्टेज के ऊपर ही काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि हीट प्रोडक्शन है वो कम कर सके। लेकिन अभी धीरे धीरे ना जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जिससे कि ये जो टेक्नोलॉजी है और एफिशिएंट हो जाए। हमारे ओप्पो भाई साहब ने एयरवूक निकाला, सुपरवूक का भाई एयरवूक, हम उसका वायरलेस चार्जर भाई है जो 65 वॉट चार्जिंग देता है। शाओमी ने भी ऐसे ही कुछ किया हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। हमारे एप्पल ने भी मैगसेफ निकाला है। तो हाँ, हम लोग वायरलेस चार्जिंग फ्यूचर है भाई। टाइम लगेगा अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए कि हमारे पास पोर्टलेस फ़ोन हो, लेकिन पहुँच जाएंगे हम। एक दो साल लगेंगे सिर्फ, धैर्य रखो। चलिए, अब इतनी सारी महाभारत राम कथा सुना के हम अब इस सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं ये समझने में कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अपनी बैटरी के साथ में, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें भ्रम होती है, मिथ होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिमिस्टिफाई करेंगे। तो देखो, अभी तक हमें ये कहा जाता था थोड़े पुराने फ़ोन्स तक कि जब आपका जो 100% बैटरी कैपेसिटी है वो रीच हो जाए तब आपको फ़ोन को डिस्चार्ज करना है, ठीक है। और वो सही कहते थे उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता था कि उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं और जो बैटरी है उसके अंदर कंट्रोलर ये नहीं बोलता था कि 100% हो गया तो आपको जो आपका जो करंट आ रहा है उसे लेना बंद करना है। इतनी एडवांस नहीं थे तब कंट्रोलर्स। तो उस टाइम पे बोला जाता था कि ओवरचार्ज ना करने के लिए आप अपनी जो फ़ोन की जो चार्जर है उसे निकाल लो, ठीक है। ओवरचार्ज करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर का वो ख़राब हो जाता है, जो आपकी बैटरी अंदर से उसकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि आप बहुत टाइम तक ना उल्टे डायरेक्शन के अंदर ना चार्ज भेज रहे हो, ठीक है। ये दिक्कत होती थी। अब आजकल क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के साथ में बात करने लग गया है। सॉफ्टवेयर बोलता है कि 100% बैटरी है भैया, ठीक है। हार्डवेयर बोलता है ठीक है हम बंद कर देंगे चार्ज। फिर सॉफ्टवेयर बोलता है कि आप धीरे धीरे करके 97% बैटरी आ गई है, अब वापस दे सकते हो हमें चार्ज, चार्ज कर लेता है। लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, वो दिखाता है 100% है। असल में क्या होता है, 96-97 तक पहुंच जाता है, वो अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। स्मार्ट हो गया आजकल। इसकी वजह से जो आपके जो नए फोन्स हैं इसके अंदर ये 100% वाली जो दिक्कत है ना वो नहीं होती है। अब दूसरा है हमारा डीप डिस्चार्ज वाला। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, कि आपको जो लिथियम आयन बैटरी उसे डीप डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। डीप डिस्चार्ज से मेरा ये मतलब है कि आपने उसको ज़ीरो तो कर लिया और उसे यूज़ नहीं किया एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, और उसके बाद में फिर आप सडनली उसको चार्ज पे कर रहे हो और ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। इससे क्या होता है, जो बैटरी है ये फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या बन जाते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी बैटरी जो है ये काम तो आ नहीं रही है, और जो लिथियम है और जो ये अंदर जो इसके आयन के जो एक्सचेंज चल रहे हैं ये तो चलते रहते हैं, और जो बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर पेड़ बनने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी इन चीज़ों के साथ में रिएक्ट करता है, बैटरी मोटे होने लग जाती है। और आपकी अगर बैटरी मोटी होगी तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप उसको प्लग करोगे वो चार्ज करने की कोशिश करेगा और शॉर्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपको करना अभी भी कहा जाता है कि अवॉइड करो, डीप डिस्चार्ज नहीं करने का। आपको अगर चार्ज करना है तो आप 20% बैटरी तक ले जाओ, ठीक है, और उसके बाद में उसे चार्ज करो, वो काफ़ी हेल्दी रहता है बैटरी के लिए। लेकिन जो -0 तक ले जाना अवॉइड करो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको बैटरी बचानी है तो उसका प्लीज़ जो टेम्परेचर है ना भैया, प्लीज़ उसको कम रखा करो। ऐसे मत करो कि आप जा रहे हो सब्जी खरीदने अपनी गाड़ी के अंदर और आपने फ़ोन अपना गाड़ी में छोड़ दिया। उससे क्या है, पूरा गाड़ी जो है आप सारे अपने शीशे तो ऊपर ही करके जाओगे, गाड़ी बन जाएगा ग्रीन हाउस, आपका फ़ोन बन जाएगा एक पकोड़ा। मत करो ऐसा, फ़ोन ख़राब हो जाएगा आपका। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली है, अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर ना अब जो हमारी बैटरीज है ऐसी नहीं दिखने वाली। फ्यूचर के अंदर हमारे पास आने वाली है हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज,
सॉलिड स्टेट बैटरीज। अब सॉलिड स्टेट के अंदर, आपने सॉलिड स्टेट अगर नाम के अंदर ही देख लिया तो आप समझ गए होगे, अभी इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े इतने, एक तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, एक है जेल इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे पास आने वाला है क्या, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, जो आपकी जो सेल की जो पैकेजिंग है वो पतली हो जाती है, और अगर आपकी सेल की पैकेजिंग पतली हो गई तो आप उसके अंदर एक तो सबसे पहली बात एनर्जी ज़्यादा दे सकते हो, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। अब सॉलिड स्टेट बैटरी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि वो जो पैकेजिंग होती है सॉलिड स्टेट बैटरीज की बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनको वो केसिंग नहीं बनानी उसके ऊपर कि हाँ वो पानी भरेगा जेल भरेगा, उसका कुछ नहीं करना उन्हें, उन्हें सिर्फ एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रखना है। तो आप कॉम्पैक्ट एक केसिंग के अंदर ज़्यादा एनर्जी रख सकते हो, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी डेंसिटी ना बढ़ जाती है, और उसी की वजह से इसकी जो चार्जिंग जो है वो भी तेज़ है, और उसकी वजह से आप इसको ज़्यादा देर यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे सॉलिड स्टेट बैटरीज़ के हॉलमार्क्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि वो महंगे होते हैं, और इनके अंदर यूज़ होते हैं महंगे मटेरियल्स, जैसे सेरेमिक्स हो गए, जैसे ग्राफीन हो गया, ग्राफीन काफ़ी महंगा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना, तो ग्राफीन जो है ये भी एक चीज़ है जो हमारे सॉलिड स्टेट बैटरीज के अंदर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फूलने का इनके अंदर चांस ही नहीं है, बैटरी फूल जाती है हमारी, लिथियम आयन डेंड्राइट बनते नहीं है इनके अंदर, चलती रहती है, लंबी बैटरी लाइफ होती है। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, अब एक और चीज़ आती है, वो होती है कि नैनो डायमंड बैटरी एक नाम की चीज़ होती है, वो होता है कि न्यूक्लियर पावर पर चलने वाली बैटरी। तो अभी तक ना हमने ना बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट बनाया, उसको रीयूज़ करने का एक तरीका होता है, जो ग्रेफाइट के जो रॉड्स लगे होते हैं रिएक्टर के अंदर उसे निकाल लो और उसकी बैटरी बना दो, और वो अभी तक क्लेम ऐसा है कि 28,000 साल चलती है, बहुत हाई उसकी एफिशिएंसी होती है बैटरी की, लेकिन रेडियो एक्टिव होती है। तो धीरे धीरे करके वो कंज्यूमर ग्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये थी हमारी बैटरी एक्सप्लेनर वीडियो, आपको एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, अगर कोई कसर रह गई हो तो प्लीज़ हमें बता दे कमेंट के अंदर, हमें बता दो कि और कैसे बेटर किया जा सकता है इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने बहुत कुछ समझा हो, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए कमेंट के अंदर। और टेक और गेमिंग की खबरों के लिए ज़रूर जाए hindi.gadgets360.com पर।